नमस्कार तो संसद टीवी में आपका स्वागत है मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है उस पर भी रहेगी हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जो हमें लोकसभा से जुड़ा अपडेट देंगे साथ ही हमारे साथ अखिलेश सुमन भी होंगे जो हमें राज्यसभा से जुड़ा अपडेट देने वाले हैं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा से आरएसपी एस सांसद एन के जी, आपका स्वागत है वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है केवी प्रसाद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हम संसद के आज के एजेंडे को लेकर आप सभी मेहमानों से बात करेंगे लेकिन संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस है है पर लोकसभा में आज साल 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर होगी सामान्य चर्चा साथ ही विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर भी चर्चा होना कार्यसूची में शामिल है राज्यसभा में कौशल विकास और उद्यमशीलता और वस्त्र मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होना सूचीबद्ध दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न भी पूछे जाने हैं बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के चौथे दिन लोकसभा की कार्रवाई में आज क्या कुछ खास रहने वाला है उस पर भी नजर डाल लेते हैं साल 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा होना सूचीबद्ध है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होना भी कार्य सूची में शामिल है अनुदानों की अनुपूरक मांगों की बात की जाए तो वित्त वर्ष दो हजार के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान भी होना कार्य सूची में शामिल है साथ ही साल 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा और मतदान होना भी कार्य सूची में शामिल है साथ ही विधेयकों की संभावित सूची की अगर बात की जाए तो तीन विनियोग विधेयक पेश किए जाने और विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 अधीन के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है इसके साथ ही लोकसभा में स्थायी समितियों से संबंधी कई अहम प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे सांसद संतोष कुमार गंगवार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे सांसद पीपी चौधरी जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2022 संबंधित संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने वाले हैं सांसद राजेश वर्मा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति के विवरण पेश करेंगे सांसद जगदम्बिका पाल ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सांसद परबत भाई सोवा भाई पटेल जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करने वाले हैं सांसद ढाल सिंह बिसेन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदन सांसद डॉ कृष्णपाल सिंह यादव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदन सांसद सुरेश कुमार पुजारी कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और सांसद सुरेश कुमार पुजारी कार्मिक लोक शिकायत विधि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा में पेश करने वाले हैं सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता का और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आज रहने वाला है लोकसभा के भीतर अमरेंद्र आज की कार्यसूची कितनी महत्वपूर्ण है प्रतिविम बजट सत्र के दूसरे चरण का चौथा दिन है और कामकाज के लिहाज से खासा अहम माना जा सकता है जिस तरह से संसद की एक तस्वीर होती है संसद में कामकाज और बहस और चर्चा होती है उसके मुताबिक आज का कामकाज खासा इसलिए भी अहम माना जा सकता है कि आज के संभावित जो सूची है उसमें प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों से सवाल है जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पांच अहम सवाल जुड़े हुए हैं इसके अलावा ऊर्जा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े हुए पांच अहम सवाल हैं इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय से चार अहम सवाल माननीय सांसद पूछने वाले हैं जो भारत सरकार की जो बजट के बाद जो एलोकेशन है उसके बाद जो योजनाओं का रूपरेखा होगा उसको लेके तो ये तो प्रश्नकाल है इसके अलावा जीरो आर में भी काफ़ी अहम मुद्दों को डिस्कस किया जाना है इसके अलावा जिस तरह से साल भर जो पार्लियामेंट कमेटी है वो वर्ष भर काम करती है विषयों पे जिसके बाद जो लोकसभा या राज्यसभा में जो बिल होते हैं वो संयुक्त समिति को भेजे जाते हैं और उस पर समिति बैठकर मंथन और चर्चा करने के बाद जो अपना प्रतिवेदन है वो हाउस को टेबल करती है तो आज बहुत सारे विधेयकों का जो अंतिम प्रारूप है उसको भी टेबल करना है इसके अलावा जो स्थायी समितियाँ हैं संसदीय स्थायी समितियाँ हैं उनके चेयरपर्सन भी अपनी कमेटी की रिपोर्ट को देने वाले हैं इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कई अहम जो बिल हैं वो भी आज लिस्टेड है जिसमें जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ जो विनियोग विधेयक है वो वो आ, आना है और जम्मू कश्मीर के बजट पे भी चर्चा होनी है इसके अलावा मैं बता दूं कि सरकार का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं इस बार ये है कि जिस तरह से गतिरोध है उसको नकारते हुए सबसे पहले जो वित्त विधेयक है उनको पारित किया जाए उसमें कई सारे जो वित्त विधेयक है वो पेंडिंग है जिसमें रेलवे पंचायती राज जल शक्ति मंत्रालय सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय के जो अहम विधेयक है उनको पारित किया जाए पृथ्वी जिस तरह से आपको पता है कि जब संसद चलती है और संसद में अगर अवरोध भी होता है तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो एक उनके पास विशेष शक्ति होती है ग्लोटिन जिसके तहत ग्लोटिन का मतलब होता है जिसके तहत चर्चा हो या ना हो आ, उस विधेयक को पारित किया जाए तो काफी सारे अहम विधेयक हैं जो ग्लोटिन के माध्यम से पारित किए जाते हैं जो रिपोर्ट टेबल होती है उसमें भी अगर अवरोध है तो वो पारित कराने का प्रयास किया जाता है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आज का जो बिजनेस है उस पर एक अच्छी चर्चा देखने को मिलेगी और जैसा मैंने बताया कई अहम बिल और कई प्रश्नकाल से जुड़े खासकर प्रश्नकाल की बात करूं तो प्रश्नकाल पे हम आएंगे हम प्रश्नकाल अलग से लेंगे अमरेंद्र अभी तक की जो जानकारी आपने उपलब्ध करवाई है आ, उस पर अपने आ, दोनों विशेषज्ञ मेहमानों से एक एक टिप्पणी ले लेते हैं इनके प्रेमचंद्रन जी फाइनेंशियल बिल वो पास कराना बेहद आवश्यक है आज की संभावना क्या देख रहे हैं आप सदन की कार्रवाई की जहाँ तक बात है आ, फाइनेंस बिल को पास करने के लिए विपक्ष समर्थन करता है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन विपक्ष को भी अवसर देना चाहिए हमने बहुत बड़ा मामला उठाया उसको चर्चा करने के लिए रूल के साथ हमने नोटिस दिया लेकिन उस नोटिस को एक्सेप्ट करना उस नोटिस के साथ डिस्कस discuss करना डिस्कशन डिबेट ऑलवेज गवर्नमेंट इज सेइंग दैट इट इज़ फॉर डिबेट डिस्कशन एंड फॉर डिसीजन बट अनफॉर्चुनेटली वो डिस्कशन नहीं हो रहा है इसलिए हम मांगता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के साथ हमारे हमारा हमारा राष्ट्र की इकोनॉमी इकोनॉमी इंडियन इज फेसिंग सच लेकिन जम्मू कश्मीर हमेशा से एक चैलेंज रहा है किसी भी सरकार के लिए किसी भी केंद्र सरकार के लिए और यूटी बन गया है जम्मू कश्मीर और नए सिरे से वहाँ पर जो है विकास के बहुत सारे काम होने बाकी हैं इसलिए वहाँ के बजट पर चर्चा और उससे पहले जो खर्चा वहाँ पर हुआ है उसको लेकर भी चर्चा जो है सदन के भीतर होनी चाहिए वो कितनी महत्व की है वो चर्चा है जम्मू कश्मीर का बजट है सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांड से वो सभी विषयों में सभी सब्जेक्ट्स में हम, हम डिस्कस करने के लिए तैयार है लेकिन हमारा प्रॉब्लम है ऑपोजिशन को राइट को भी एक्सेप्ट करना रिकग्नाइज करना उसको नहीं रिकग्नाइज करना आपने देखा कल ऑल द थ्री डेज आपने देखा राजनाथ सिंह जी ने बोला और प्रहलाद जोशी जी ने बोला विभक्श को अवसर भी नहीं मिला विभक्ष को भी अवसर मिलना चाहिए हमारा ओपिनियन क्या है हमारा विशन क्या है व्हाट इज द व्यू ऑफ द अपोजिशन दैट शुड आल्सो बी कम ऑन रिकॉर्ड इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट द अपोजिशन इज नॉट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू विंडिकेट देयर व्यूज दैट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग वी आर रेडी फॉर डिस्कशन ऑफ जम्मू कश्मीर बजट सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री द सेकंडिमांड सर सेकंड बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स वी आर रेडी फॉर डिस्कशन बट अनफॉर्चुनेटली विपक्ष को डिमांड्स जेन्यून डेमोक्रेटिक डिमांड्स को भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करना चाहिए गवर्नमेंट नॉट रेडी एंड विलिंग टू हियर द ऑपोजिशन दैट इज द प्रॉब्लम एंड पहला बजट सेशन की सेकंड पार्ट में आपने देखा कौन कौन डिस्टर्ब करता है यह विपक्ष डिस्टर्ब करता है नहीं गवर्नमेंट डिस्टर्ब करता है मिनिस्टर्स उसके सीट से उठा और वो डिस्टर्ब करता है मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट इज मेकिंग नॉइज एंड डिस्टर्बिंग द हाउस दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग The government itself is disrupting the proceedings of the house and saying outside that. गवर्नमेंट इज फॉर डिस्कशन फोर डिबेट फॉर डिस्कशन एंड द पार्लियामेंट इज फॉर डिस्कशन एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट इज डिस्टर्बिंग द हाउस ये विपक्ष भी डिस्टर्ब करता है लेकिन विपक्ष को डिमांड को भी मांग को भी एक्सेप्ट करना चाहिए यह विपक्ष का मेन डिमांड जी जी हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल जी बीजेपी के लोकसभा सांसद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा आपने सुनी ली ली होगी और हम अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर बजट पर सामान्य चर्चा भी है जम्मू कश्मीर अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा होनी है आ, कितनी महत्वपूर्ण होती है ये चर्चा जिस तरीके से नए सिरे से एक कह सकते हैं जम्मू कश्मीर को विकास की आवश्यकता भी है और विकास वहाँ पर पहुँचाने का लगातार प्रयास भी किया जा रहा है ऐसे में नहीं बजट का सत्र हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण होता है हालांकि प्रदेश सत्र का अपना महत्व है परंतु बजट सत्र के अंदर बजट का प्रस्तुतिकरण होता है फिर सेकंड पार्ट के अंदर जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं उनके ऊपर चर्चा होती है कुल मिलाकर के बजट पर चर्चा होती है एक बार फिर जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है उसके ऊपर चर्चा होती है ये बड़ा महत्वपूर्ण ये सत्र का हिस्सा होता है और इसका चलना बेहद ज़रूरी है लेकिन देखिए एक बात हमारे आदरणीय प्रेमचंद्रन साहब बहुत ही सीनियर हमारे साथी हैं बहुत अनुभवी हैं कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्यों होना ज़रूरी है ये बात केवल रूलिंग पार्टी की या अपोजिशन की केवल नहीं है संसद की अपनी एक मर्यादा संसद एक देश की सार्वभौमिकता की प्रतीक है और जो चेयर है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं जो स्पीकर हैं वो उसको उसके कस्टोडियन हैं तो ये जो विषय हैं ये जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इनके ऊपर किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी जो सत्य भी नहीं है तो उसको किसी दूस दूसरे देश में जा के कहना ये इतना ये इतना आपत्तिजनक है ये और आ, कहीं भी कहना और दूसरे देश में जाकर तो और भी इसकी गंभीरता बढ़ जाती है तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस विषय के ऊपर किस प्रकार से अपोजिशन के लोग जो है इसके साथ खड़े हुए इस विषय के साथ है ना मुझे मुझे ये अंदाजा था मैं सोचता था कि जितना गंभीर ये बातचीत हुई है उसमें हो सकता है कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं समझदार हैं सब जानते हैं अनुभवी हैं वो ये कहेंगे कि नहीं ये बात गलत हुई है और हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं ऐसी कुछ बात शायद आएगी अन्य विपक्षी दल जो उनके साथ है वो भी कहेंगे कि भाई इस विषय के ऊपर हम आपके साथ नहीं हैं और विषयों के ऊपर हम चलिए विपक्ष के नाते हम विषय रखने के लिए तैयार हैं सरकार को घेरने के लिए तैयार की कोशिश करेंगे परंतु तो ये विषय ऐसा है इसमें हम आपके साथ नहीं हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी के भी और बहुत चिंताजनक है और मैं समझता हूं कि इसको समझना चाहिए और रास्ता तो कुछ ना कुछ निकलेगा जी। निकालना चाहिए ही लेकिन जो इशू है संसद की अवमानना और पीठ की अवमानना ये बहुत गंभीर विषय है और एक जिम्मेदार सांसद के द्वारा यदि ये बात कही गई है तो इसकी गंभीरता और भी बढ़ जाती है इसकी चिंता संपूर्ण अपोजिशन को करनी चाहिए के वी प्रसाद जी आप लंबे समय से संसद की कार्रवाई को कवर कर रहे हैं बहुत बारीक नज़र रखते हैं फाइनेंशियल बिल पास होना चाहिए एक बात और कहा है जाता है कि बजट सत्र का पहला चरण जितना महत्व का होता है उससे भी अधिक Uh, महत्व होता है दूसरे चरण का आज क्या संभावना देख रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के uh, व्यय मतलब कि ये खर्चे और आवंटन पर चर्चा होनी है ये चर्चा कितनी महत्व की मानते हैं जी महत्वपूर्ण है और जम्मू कश्मीर जैसे हम सब जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी है तो उसका बजट सीधा सीधा केंद्र सरकार यानी कि केंद्र सरकार जो है पार्लियामेंट के समक्ष लाएगी और पार्लियामेंट इस पर इस लेखा अनुदान और उसके अप्रोप्रिएशन बिल पूरा खर्चा आए आए का उस पर अनुमोदन देती है और ये महत्वपूर्ण है ज़रूर लेकिन आज जो जिस बात का आपने संकेत पूछा कि आज क्या हो सकता है फिलहाल जो परिस्थिति दिख रही है वो टकराव की स्थिति लगी हुई है और जैसे सांसद अग्रवाल जी ने कहा और सांसद प्रेमचंद जी ने कहा दोनों ने अपनी बात रखी है तो अभी कोई रास्ता ऐसा सुझा नहीं है दिख नहीं रहा हो सकता है आज सदन कार्रवाई शुरू होने से पहले स्पीकर महोदय और उधर चेयरमैन महोदय अपनी तरफ से कोई पहल करते हैं और बातचीत करते हैं कोई रास्ता ढूंढने का तो देखिए मैंने शुरू से एक बात कही सभी जानते हैं कोई नई बात नहीं है संसद जो है जितना सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का है और दोनों को मिलकर ही सदन चलानी है और रास्ता भी ये दोनों ही ढूंढेंगे इन ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्लियामेंट्री मैनेजर्स आपस में बैठ के एक सलीका होता है कि भई हम इसको कैसे चलाएं और जो प्राथमिकता है बजट सेशन में प्राथमिकता है फाइनेंस बिल का पारित होना और ये है कई वर्षों से लोगों ने इस इसमें काफ़ी लिखा है कि लाखों करोड़ों के बजट बिना बहस के निकल जाए ये अच्छी बात नहीं है जी प्रश्नकाल भी बहुत महत्वपूर्ण तो होता है दोनों सदनों की अगर बात की जाए तो लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों में से कुछ आ, प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आज गुरुवार है और आज के दिन नागर विमानन आवासन और शहरी कार्य जल शक्ति सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अल्पसंख्यक कार्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विद्युत और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने सुनिश्चित हैं जल शक्ति मंत्रालय से आज चार प्रश्न पूछे जाने सूचीबद्ध हैं जल शक्ति मंत्रालय से भूजल स्तर में आ रही कमी आर्सेनिक फ्लोराइड के कारण भूजल दूषित होने के बढ़ रहे स्वास्थ्य के खतरों से जुड़ा प्रश्न पूछा जाना है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ पहुंचाने के लिए राज्यभर कितनी योजनाएं चल रही हैं और उन पर कितना धन खर्च किया जा रहा है इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाना सूचीबद्ध है साथ ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए चल रही योजनाओं में से कौन कौन सी योजना महत्व तो की है और इस विषय से संबंधित आज प्रश्न पूछा जाना है हमारे विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और प्रश्नकाल कितना महत्व का होता है हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता प्रेमचंद्रन जी बहुत महत्व के प्रश्न हैं और ये एक जो है म्यूचुअल कंसेंस भी है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच प्रश्नकाल में महत्व के प्रश्न और मुद्दे उठाए जाते हैं इसलिए प्रश्नकाल चलने देना चाहिए हम देख रहे हैं कि लगातार देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो हमारा जमीन का पानी है उसका स्तर जो है लगातार कम होता जा रहा है जल शक्ति मंत्रालय से एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछा जाना है कितना महत्व का मानते हैं ये प्रश्न और क्या कुछ आपको लगता है इससे संबंधित चीजें उजागर होनी चाहिए मेरा क्लियर कट ओपिनियन है इसमें कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हमने इंडिपेंडेंस का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के समय में हम संयुक्त सभा ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया उसमें है क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब नहीं करना प्रश्नकाल अच्छी तरह चलना चाहिए लेकिन क्योंकि वो मेंबर्स का राइट right है वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का राइट right है टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री सो इट वॉज अ यूनैनिमस रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाई द हाउस दैट नो वे द क्वेश्चन आवर शैल बी डिस्टरबेड

पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स होना चाहिए मेंबर्स को सवाल पूछना चाहिए उसको क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए लेकिन प्रश्नकाल भी डिस्टर्ब करता है इसलिए हमको कोई डिस्कशन की अवसर भी नष्ट हो रहा है इसलिए मेरा ओपिनियन है मेरा राय है कि क्वेश्चन क्वेश्चनवर को और प्रश्नकाल को कोई भी तरह डिस्टर्ब नहीं करना उसके बाद डिस्टर्ब एडजमेंट मोशन वो सभी बात लेना बिकॉज क्वेश्चन क्वेश्चनवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because the government is made answerable to the people mainly through the question hour and the members are getting an opportunity to make the government accountable and to get the matters clarified according to their uh, according to their <coughs> logical questions so definitely a prashnakal ko protect karna chahiye lekin consensus hai, but consensus ko koi political party ne follow nahi kiya isliye abhi ko oh, disruption ho ra hai राजेंद्र अग्रवाल जी हमने देखा कि कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार घट रहा है भूजल का पानी जो है कहीं ना कहीं प्रदूषित भी हो रहा है और उससे जो है गंभीर किस्म की बीमारियां सामने आ रही हैं कुछ क्षेत्र में दिल्ली उसमें समाहित है उसमें थोड़ा सा वाटर लेवल थोड़ा बढ़ा भी है लेकिन ज़्यादातर इलाकों में ज़्यादातर देश के क्षेत्रों में भूजल लगातार नीचे जा रहा है जिसमें हमारा दिल्ली का पड़ोस का राज्य पंजाब भी शामिल है वहाँ पर भी लगातार न केवल भूजल स्तर कम हो रहा है साथ ही साथ दूषित भी हो रहा है और वहाँ पर अलग अलग किस्म की बीमारियाँ सामने आ रही हैं देखिए जल की समस्या तो है ही यानी बहुत पहले इस बात को कहा गया कि अगला कोई विशुद्ध होगा तो जल के ऊपर होगा हालांकि विशुद्ध की संभावना और तरीके से भी पैदा हो रही हैं वो भी चिंता की बात है और मैं आदरणीय प्रेमचंद्र साहब की बात से शत प्रतिशत सहमत हूँ जो उन्होंने कहा है प्रश्नकाल वास्तव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक सदस्य का भी एक ऐसा अधिकार है जिसकी रक्षा की ही जानी चाहिए सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए सरकार से जवाब मांगने के लिए इसका उपयोग होता है आ, लेकिन जैसी बात है अब ये प्रश्नकाल चलेगा तो माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे जो प्रश्न पूछा गया है बाद में सप्लीमेंट्री का जवाब देंगे तो बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी सारे विषय बहुत महत्व के हैं पानी के पानी नीचे जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है यानी जरूरत से ज़्यादा उपयोग हो रहा है सरकार उपाय जरूर कर रही है कि वो प्रदूषित भी ना हो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पानी को नीचे भी पहुँचाया जाए जो रेन वाटर है उसकी और ढंग की व्यवस्था की जाए तालाबों के विषय में भी सरकार ने सोचा हुआ है प्रत्येक घर में शुद्ध जल पहुँच जाए उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है लेकिन कुल मिला करके जल स्रोत हमारे वाटर बॉडीज अच्छी भी हों स्वस्थ हों स्वच्छ हों ये इस बात की भी चिंता सरकार ने की है या कृषि के अंदर जो डाइवर्सिटी के माध्यम से ऐसी फसलों को हम प्रोत्साहन दें जो अपेक्षाकृत कम जल लेती हैं या वाटर जो फ्लड इरिगेशन के स्थान पर स्प्रिंकलिंग स्प्रिंकलिंग के माध्यम से हम सिंचाई करें ऐसे बहुत सारे उपाय हैं लेकिन प्रश्नकाल चलेगा तो ये अच्छे विस्तार के साथ माननीय मंत्री जी के द्वारा आते हैं और उसमें जो जैसा मैंने कहा कि सप्लीमेंट्री के माध्यम से और भी पहलू उसके प्रकट होते कहाँ क्या समस्या है और उसमें से सरकार को भी अपना काम करने के लिए एक दिशा मिलती है ये महत्व प्रश्नकाल का है तो मैं तो यही इच्छा करूंगा कि यह प्रश्नकाल चले ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर आज माननीय मंत्री जी के उत्तर आए और प्रश्नकाल रोज चले आज कुछ मंत्रालय है, कल कोई और मंत्रालय होंगे कल कोई और मंत्रालय थे तो बराबर ये बराबर ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है तो आई विश कि प्रश्नकाल चले जी केवी प्रसाद जी जब प्रश्नकाल में कोई प्रश्न उठाया जाता है या पूछा जाता है वो इसीलिए पूछा जाता है कि आखिरकार संबंधित मंत्रालय या मंत्री या सरकार कुछ उस विषय को लेकर आखिरकार क्या कुछ कर रही है क्या कदम उसने उठाए हैं क्या कदम उठाए जा रहे हैं या फिर उठाने वाली है सरकार तो इस विशेष रूप से जल स्तर जो लगातार कम हो रहा है दूषित हो रहा है अभी तक जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसको आप किस तौर पर देखते हैं प्रतिविध तो जी सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है आ, हमारे संसदीय प्रणाली में जो व्यवस्था की परिकल्पना की गई वो ये है कि जो माननीय सांसद है वो जनप्रतिनिधि हैं और हर एक जन प्रति, प्रतिनिधि का ये अधिकार है कि वो सरकार से जवाबदेही रखे और प्रश्नकाल ऐसा महत्वपूर्ण वो एक यंत्र है जिसके तहत वो सरकार को पूछ सकती है हर कोई भी हो चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो या अपक्ष हो वो उठ के संसद में ये बात करें और इसके तहत चाहे वह जैसे आपने कहा कि इस वक्त हमारे जल समस्या के ऊपर बात है सरकार अपनी राय रखती है और कई बार होता है कि सरकार के अलावा जो बाहर बैठे कई सारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी इसमें कहीं ना कहीं जुड़ जाती है चाहे माननीय सांसद जो सवाल पूछ रहे वो या अन्य जो सप्लीमेंट्री पूछते हैं वो सरकार को एक तरह से कई बारी सुझाव भी देते हैं और कई सुझाव पर कार्यान्वित करने के लिए सरकार मानती भी है और कहती है भाई हम इसको आगे सोच तो विचार करेंगे तो सब मिलजुल के एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करते चाहे आज जल की बात आप कर रहे हैं और तो मेरे ख्याल से प्रेमचंद जी ने बात की उन्नीस गोल्डन जुबली में मैं उस वक्त समक्ष था देख रहा था मैं और दो दिन का जो विशेष अधिवेशन चला था उसके बाद तमाम सारे नेता फ्लोर लीडर्स हर पार्ट दल के उन्होंने इस रेजोल्यूशन पर हस्ताक्षर किया था कि हम प्रश्नकाल को चलने ले देंगे लेकिन आ, आगे क्या हो रहा है सब देखें और शायद दस एक साल पहले राज्यसभा में इसलिए प्रणाली बदली गई जैसे आप जानते हैं कि प्रश्नकाल को ग्यारह बजे की वजह बारह बजे किया गया उसकी वजह उसके पीछे सोच यही थी कि भाई ग्यारह बजे कम से कम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमारे सांसदों को आंदोलित कर रहे हैं वह उठाएँ ताकि प्रश्नकाल सुचारू रूप से चले तो जी हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं अमरेंद्र प्रश्नकाल की चर्चा यहाँ पर चल रही है और हम देख रहे हैं कि क्लीन एनर्जी को लेकर भी इस सरकार का बहुत जोर रहा है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से किसानों को सौर ऊर्जा के लाभ कितने पहुंच पा रहे हैं और राज्य भर क्या ब्यौरा है उससे जुड़ा हुआ बहुत महत्व का प्रश्न भी आज पूछा जाना है पृथ्वी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज के बिजनेस में जो अहम अगर लिस्ट देखें तो उसमें क्वेश्चन आर एक बहुत मजबूत पहर माना जा सकता है और प्रश्नकाल में जैसे आपने बताया कि ऊर्जा और नवीन और नवीकरण ऊर्जा से चार सवाल लगे हुए हैं इसके अलावा आपको रोड और परिवहन मंत्रालय से पांच अहम सवाल इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय से पांच अहम सवाल लगे हुए हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऊर्जा मंत्रालय की तो ऊर्जा मंत्रालय से जो सौर ऊर्जा को लेकर और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जैव संयंत्र को लेकर काफ़ी अहम सवाल लगे हुए हैं और मैं आपको बताऊं कि इस बार का जो बजट है ऊर्जा मंत्रालय का वो बीस हज़ार सात सौ सा करोड़ रुपए का बजट है जिसमें इस बार हाइड्रो पावर सोलर पावर और ग्रीन पावर को बढ़ाने की बात की गई है जिस तरह से हमने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी और इन नौ सालों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से जो गांव गांव बिजली की जो परिकल्पना थी वो इस सरकार ने तय करके दिखा दी कि हर घर में और हर रिमोट एरिया में जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक देखें तो आज हर घर में आपको एक बिजली का बल्ब मिल जाएगा विपरीत परिस्थितियों में भी कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए ऐसे बल्ब हैं जो वहाँ पे देखेंगे तो ऊर्जा के क्षेत्र में काफी फोकस किया है और इस बार के बजट में एक बड़ा प्रावधान है जिसको लेके आपको आज सरकार सरकार से जो सवाल हैं उसमें वो प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होगा जी, इसके जी. अलावा मैं बता दूं जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ा हुआ जो तो पांच अहम सवाल हैं उसमें मैं बता दूं कि उसमें नदियों के स्वच्छता को लेके कई सारे सवाल किए गए हैं और इस बार का जो बजट है उसमें अट्ठारह 18, करोड़ नदियों के लिए एलोकेशन किया गया है और पिछले वित्तीय वर्ष से तकरीबन 22 फीसदी ज़्यादा है इसमें मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अटल भूजल और हर घर जो नल वाली योजना है उसको लेके खासा फोकस किया गया है और आज जिस तरह की अभी आज के लिस्ट में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो बिल लगा है उसमें भी सरकार ने ये अपने बजट में भाषण में वित्त मंत्री निर्मला ने बोला था कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के लगभग 19 लाख घरों को 2024 तक शुद्ध जल मिलेगा हर घर नल योजना के तहत जी एक बहुत बड़ा है आ, जो है बहुत बारीक जानकारी आपने उपलब्ध करवाई है और आंकड़ों के साथ वो जानकारी साझा की है राज्यसभा में क्या कुछ रहने वाला है कार्य सूची में कौन कौन से कार्य सूची बद है उस पर भी नजर डाल लेते हैं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होना कार्य सूची में शामिल है राज्यसभा में आज वस्त्र मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होना कार्य सूची में शामिल डॉक्टर जितेंद्र सिंह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदान मांगों 2022 23 के संबंध में सभा में वक्तव्य देंगे सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे सदन में पूर्व सदस्य कर्ण भट्टाचार्य के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी राज्यसभा की कार्य सूची में कई अहम प्रतिवेदन और प्रस्ताव भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी अधीनस्थ विधान संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करने वाले हैं सांसद प्रमोद तिवारी जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सांसद महेश जेठमलानी जल जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संबंधित स्थायी समिति का प्रतिवेदन और सांसद डॉक्टर सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे सीधा रुख करते हैं अखिलेश सुमन अपने सहयोगी का अखिलेश अगर कार्य सूची की बात करें बहुत महत्व की कार्य सूची है और कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय से के कामकाज पर महत्वपूर्ण चर्चा भी सूचीबद्ध है जब किसी मंत्रालय को लेकर चर्चा सूचीबद्ध होती है तो किन बिंदुओं पर चर्चा जो है निहित होती है निश्चित तौर पर प्रतिबिंब में जो बजट सत्र का जो दूसरा चरण होता है इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत रोचक होता है और न सिर्फ आम जनता के लिए बल्कि मीडिया के लिए भी इसके प्रति काफी आकर्षण होता है क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जो कि फिर आम जनता के लिए या संबंधित क्षेत्र में जो लगे हुए लोग हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए जो बजट सत्र का जो दूसरा चरण है तकरीबन सभी महत्वपूर्ण विभागों के कामकाज पर चर्चा हो जाती है और जो ये जो स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय है आज के दिन में अगर कहें तो बहुत अहम इसलिए हो गया है क्योंकि देखिए सरकार की एक कोशिश है कि पूरी दुनिया में एक अभी जी ट्वेंटी फॉरन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसके या पहले फिनांस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें भारत की तरफ से एक जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी का मामला लगातार प्रेस किया जा रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को ह्यूमन ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है और जो डेवलपिंग कंट्रीज में वो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स हैं तो किस तरह से उसको पूरी तरह से एक चैनलाइज किया जाए ताकि हमारे यहाँ का जो टैलेंट है या ट्रेंड स्किल वर्कर हैं वो जा सके डेवलप कंट्रीज में और उनका उनको भी फायदा हो और हमारे लोगों को भी रोज़गार हो तो इस हिसाब से सांसदों के सामने एक मौका रहेगा कि वो सरकार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि जो इंटरप्रीनियरशिप uh, और स्किल डेवलपमेंट के मामले में कितना आगे बढ़े हैं और जैसा कि सरकार बोलती है कि भाई रोज़गार जो है सिर्फ वही रोजगार नहीं होता जो तो सरकारी नौकरी होती है बल्कि आपको खुद भी अपना अपनी बुद्धि लगाकर अपनी क्षमता लगाकर रोजगार पैदा करने वाला बनना चाहिए तो इस हिसाब से एक तरीके से जांच भी हो जाती है कि सरकार ने इस दिशा में क्या काम किया है तो मैं सभी की निगाह इस पर रहेगी और उसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक समय होता है जीरो आवर और जीरो आवर जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा में शून्यकाल पहले होता है और शून्य काल में हर रोज पंद्रह ऐसे मसले उठाए जाते हैं सांसदों द्वारा जो एक दिन पहले उसकी सूचना दी जाती है और आज उठाने का मौका मिलता है तो इसमें भी काफ़ी ऐसी चर्चाएं ऐसी चर्चा नहीं एक तरफा ये बात होती है लेकिन इसमें काफ़ी ऐसी बातें सामने आ जाती है जो तात्कालिक ज्वलंत मुद्दा है जैसे एक पहला ही मुद्दा है राघव चड्ढा का जिन्होंने ननकाना साहिब कॉरिडोर के बारे में ए, म, उ, सवाल उठाया है कि करतारपुर कॉरिडोर तो बन गया लेकिन अब ननकाना साहब कॉरिडोर भी बनने की बात है क्या सरकार उसके बारे में क्या उपाय कर सकती है क्या विचार कर सकती है एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी दिया जाए तो यह एक सवाल दीपेंद्र सिंह हुडा ने उठाया है तो इस तरह से कई ऐसे सवाल हैं जो कि शून्यकाल में उठाए जाएंगे एक मैं बताऊँ कि नदीमुल हक ने उठाया है कि एक्सप्लाइटेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन यूके और संतोष कुमार पी ने पुडुचेरी के जो राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है तो शून्यकाल में जो पंद्रह शून्यकाल आएंगे मामले आएंगे तो उसमें भी लोगों को कई सारी जानकारियां मिलेगी आ अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पास वापस आएंगे जब प्रश्न काल में कुछ महत्व के प्रश्न पर हम आपकी आ, क्या राय है वो जाने की कोशिश करेंगे लेकिन आ, जैसे कि एन के प्रेमचंद्रन जी यहाँ पर हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जब किसी मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होती है तो बहुत सारे महत्व के बिंदु ऐसे होते हैं जो आ, जिस पर आ, जो है विपक्ष के माननीय सांसद चाहते हैं कि चीज़ें स्पष्ट हों और बहुत लंबे समय से आप आ, सांसद हैं और संसद के भीतर जब इस, इस प्रकार की आ, चर्चा होती है तो किन जो है जो पॉइंट्स को लेकर आपको लगता है कि जो है सांसदों का ध्यान जो है उस चर्चा में बना रहता है आपने बोला डिमांड्स के साथ ना जी डिमांड्स के साथ इस समय हमने पांच सब्जेक्ट्स सेलेक्ट किया उसमें वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ट्राइबल अफेयर्स टूरिज्म एंड कल्चर एंड फाइव सिक्स सब्जेक्ट्स वी हैव सेलेक्टेड उस डिमांड्स को डिस्कस करना चाहिए वो भी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है लेकिन क्योंकि बजट के साथ सभी डिमांड्स को चर्चा करने के समय और अवसर नहीं मिलेगा इसलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने ये सिलेक्ट किया उसी सब्जेक्ट्स में डिस्कशन होना चाहिए डिस्कशन नहीं होना चाह लेकिन फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर एंड नॉ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टू बी डिस्कस इवन आफ्टर कोविड नाइन्टीन सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस एंड सिमिलरली टूरिज्म एंड कल्चर एंड रेलवेज सी आपने एक बात भी समझना चाहिए कि रेलवे को हमारा फुल फ्लज बजट था लेकिन वो बजट ना वो जनरल बजट के भाव हो गया इसलिए जनरल बजट के रेलवे बजट को सभी संसदों की चर्चा करना चाहिए उसका कॉन्स्टिट्युंसी का बात उठना चाहिए वो रेलवे का डिस्कशन पहला पहला सब्जेक्ट रेलवे का डिस्कशन है सो हम उसी सभी डिस्कशन को कॉपरेट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन

ऑल इश्यूज को करना चाहिए डिस्कशन को अवसर मिलना विपक्ष का बहुत बड़ा मामला ये कि हमको भी अवसर मिलना चाहिए फॉर द गवर्नमेंट हैज टू टेक द इनिशिएटिव टू हियर द अपोजिशन विपक्ष को भी हियर करना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट प्रोएक्टिव सो एज टू हैव स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस जहां तक कि अगर लोकसभा की बात की जाए राजेंद्र अग्रवाल जी तो विनियोग विधेयक अभी सूचीबद्ध है इसके अलावा तीन के अधीन भी लोकहित से जुड़े हुए मुद्दे आ, वो उठाने का अवसर मिलता है आ, कितना महत्व रखता है अगर लोकसभा की कार्रवाई के मद्देनज़र इस पर बात की जाए तो देखिए विनियोग विधेयक तो बजट का हिस्सा है और उसके पश्चात ही खर्च करने की इजाज़त एक प्रकार से संसद के द्वारा दी जाती है और जो थ्री सेवन सेवन हो या जीरो आवर हो ये एक बड़ा अवसर होता है तौर से क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का उठाने का माननीय सांसदों के लिए और बड़ी प्रतीक्षा करते हैं अब हम लोग सब लगाते हैं कोशिश करते हैं कि उसमें बीच में वो हमारी आ जाए लॉटरी के अंदर आ जाए या जा थ्री सेवन सेवन का हम लगाते हैं उसके पीछे और सभी सांसद इच्छुक रहते हैं कि उनके क्षेत्र की अधिक से अधिक समस्याएं थ्री सेवन सेवन और जीरो आवर के माध्यम से उठ जाएं तो ये बड़ा उनके लिए भी एक लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है और देखिए जब तक आप आप सं, जब सत्र नहीं चलता होता है तो नियमित रूप से खासतौर से क्षेत्र में रहते हैं संपर्क आपका रहता है तो वहां से जो इनपुट्स आते हैं उन इनपुट्स को यदि आप संसद में उठाने का अवसर होने के बाद भी आप नहीं उठा पा रहे हैं तो बड़ी निराशा होती है ये उसके द्वारा ही जिस विभाग का वो विषय है वहाँ तक बात पहुँचती है वहाँ तक रिस्पॉन्स भी बहुत बार आता है और एक एक्टिविटी एक भी क्षेत्र के अंदर बढ़ती है तो जीरो आवर और थ्री सेवन सेवन जैसा आपने कहा दोनों का अवसर चूक जाता है एक प्रकार से वैयक्तिक स्तर पर क्षेत्र के विषय को संसद में उठाने का ये मौका होता है जिसका उपयोग कर नहीं पा रहे जी है, के वी प्रसाद जी चूंकि दोनों माननीय सांसद लोकसभा से हैं राज्यसभा से कोई सांसद आज है नहीं जो बात मैंने अपने सहयोगी से पूछी थी कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय से और वस्त्र उद्योग मंत्रालय से जो है महत्व की चर्चा जो है वो भी आज सूचीबद्ध है राज्यसभा में अगर बात की जाए इन तीनों मंत्रालयों की और इस पर अगर चर्चा होती है उसके कामकाज पर चर्चा होती है मंत्रालय के कामकाज के ऊपर तो क्या कुछ आपको लगता है अगर होता है ऐसा तो क्या कुछ सामने आ सकता है पृथ्वी जी धन्यवाद इससे पहले मैं आपकी बात कह चाहू मैं एक बात कह दूँ चाहे आज प्रेमचंद जी लोकसभा के सांसद हैं मेरी जब इनकी पहली मुलाकात हुई राज्यसभा के सांसद <laughs> तो इनको भली भांति राज्यसभा के परिचालन से जानते हैं और अग्रवाल जी भी पुराने सांसद हैं तो जानते होंगे बहरहाल सवाल ये है कि ये लोकसभा चूँकि राज्यसभा के पास वित्त का कोई अधिकार नहीं है तो एक प्रणाली में एक तैयारी की गई थी कि जब लोकसभा में अनुदान मांगों पर लेकर चर्चा करे तो उन्हीं दिनों में पांच ऐसे सब्जेक्ट्स मंत्रालय के कार्यकाल कार्य पद्धति के ऊपर बहस हो और इसका फायदा ये होता है कि सांसद जो कि राज्यसभा के हैं वो उन मंत्रालयों पे टिप्पणी करते हैं उसके कार्य शैली को समझते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और सरकार उससे लाभान्वित होती है कई बारी उसके ऊपर से जो विचार निकल के आते हैं तो सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं वो उस पर स्वीकारते हैं कि हाँ इन मुद्दों पे हम ध्यान रखेंगे कई चीज़ें हमें नहीं पता लगी और तो एक तरह से सब मिल जान के उस पर अपनी तैयारी करके देते हैं तो जो सेलेक्ट हुए हैं मिनिस्ट्रीज राज्यसभा में तो तमाम सारे मिनिस्ट्रीज हैं और ये जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है कि कौन से ऐसे पाँच सात मंत्रालय जिन पर हम करेंगे तो हर मंत्रालय पे जैसे पहले भी कहा गया संसद के पास इतना वक्त नहीं होता कि सारे मंत्रालय पे विस्तार से बातचीत हो और शायद यही उन्नीस में इसकी पूरी ये कमेटी सिस्टम को बनाया गया ताकि कमिटीज़ में विशेष तौर सांसद एक बहुपक्षीय तरीके से जो अनुदान मांगे हैं उस पर विचार रखें और निष्पक्ष तौर से अपनी राय रखें और उसकी जो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर चार पांच मिनिस्ट्री जी डिस्कशन चल जी और तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि राज्यसभा में शून्य काल पहले लिए जाता है लेकिन अगर प्रश्नकाल की भी बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों में कुछ प्रश्नों पर हम एक नज़र डाल लेते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कुल पंद्रह प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल के दौरान आज प्रधानमंत्री कार्यालय से तीन प्रश्न अलग अलग सांसदों की ओर से पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द हुई सरकारी परीक्षाओं के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न के जरिए विगत तीन साल का ब्यौरा भी मांगा जाएगा इसके अलावा मंत्रालय से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थिति से जुड़ा प्रश्न किया जाएगा प्रश्न के जरिए सरकारी भर्तियों का ब्यौरा भी मांगा जाएगा वहीं संस्कृति मंत्रालय से पूर्वोत्तर में सांस्कृतिक विरासत स्थलों के रूप में नई जगहों को चिन्हित किए जाने से जुड़ा सवाल भी पूछा जाना है जी हाँ राजेंद्र जी अगर बात करें पूर्वोत्तर की पूर्वोत्तर को लेकर इस सरकार का बहुत ज्यादा जोर है और संस्कृति मंत्रालय से पूर्वोत्तर में सांस्कृतिक विरासत स्थलों के रूप में नई जगहों को चिन्हित किए जाने से जुड़ा यह सवाल कितना महत्वपूर्ण तो है इसमें कोई संदेह नहीं कि पूर्वोत्तर को आ, हमारी सरकार ने भाजपा की सरकार ने एनडी की सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है अटल जी की सरकार उन्होंने उसके लिए इंडिपेंडेंट एक मंत्रालय बनाया और अब वो मंत्रालय और भी सक्षमता के साथ आ, सारा काम देखता है देखिए पूर्वोत्तर के साथ एक तो ये समझता थी कि वहाँ पर विकास की गति कम थी और वहाँ पर अनेक छोटे मोटे विवाद भी थे जिनको एक सेंसिटिविटी के साथ बैठ करके हल करने की कोशिश नहीं होती थी इस सरकार ने विकास का एक नया आयाम वहाँ पर निर्मित किया है और ये आंकड़ों में दिखाई देता है वो सीमांत क्षेत्र होने के नाते भी और हमारा पूर्वोत्तर का हिस्सा होने के नाते भी वहाँ पर पहले के मुकाबले बहुत अधिक विकास हुआ है और वो जैसा मैंने कहा कि दिखाई भी देता है वो प्रत्येक प्रदेश के अंदर और साथ ही साथ वहाँ पर आवागमन लोगों का बढ़े इतने अच्छे वहाँ पर पॉइंट्स हैं अरुणाचल के बारे में कहा जाए कि स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर है ये आप में से भी कभी आपका जाना वहाँ पर हुआ बहुत ही सुंदर हमारा वो प्रदेश है परन्तु तो हमने क्योंकि सामान्य रूप से विकास किया ही नहीं तो वहाँ के जो इस प्रकार के टूरिज्म के स्पॉट्स हैं वो एक्सप्लोर ही नहीं हुए तो उस तरफ भी सरकार का बड़ा भारी ध्यान है और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बार कहते हैं कि हमारा जो गेटवे है यहाँ से शुरू होता है आसाम से और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम लोग एक बड़ी मात्रा में टूरिज्म को बढ़ावा दें वहाँ पर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको हम बढ़ावा दें और कुल मिलाकर सुरक्षा की दृष्टि से भी उसकी एम्पावरमेंट उस संपूर्ण क्षेत्र का करें ये सारे चल रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट हमेशा से एक सर्वोच्च प्राथमिकता पर एनडीए की सरकारों के लिए थैंक यू प्रेमचंद्रन जी ये एक ब्यूटी है अगर जो है क्वेश्चन आर की बात की जाए कि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जो विपक्ष के माननीय सांसद सदन के भीतर उठाना चाहते हैं तो प्रश्नकाल में वो बिंदु जुड़ जाते हैं वो जो सवाल होते हैं अल अलग अलग माननीय सांसदों के वो प्रश्नकाल के दौरान सामने आ जाते हैं और उसका संबंधित मंत्री और मंत्रालय जवाब भी देते हैं प्रश्नकाल के बाद आपने पूछा जी क्या मैंने आराम से भी बोला कि प्रश्नकाल हमारा राइट है मेंबर्स का राइट है उसको जब जव, जवाब पूछना और सवाल देना वो महत्वपूर्ण अकॉर्डिंग टू मी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑन ए पर्टिकुलर डे द क्वेश्चन अवर बिकॉज आई नो आई वाज आल्सो ए मिनिस्टर इन केरला when we the next day when the next the day before the day in which we are having the questions we are doing the homework like anything the ministers are coming with after heavy homework and they are also studying the subject studying the ministry and coming to the house and giving answers and the members are getting an opportunity to ask the questions and get the clarifications so i think that some, some discussion has to come out so as to have the smooth functioning of the house especially in particular

जी प्रतिम जी ये बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि देश में खासकर ये देखा गया है रिक्रूटमेंट की जो परीक्षाएं होती है जब सरकार की तरह से विभिन्न सरकारों में राज्यों में देखा गया है कि एन वक्त पे लोग तैयारी करके लाखों की संख्या में हज़ारों की संख्या में प्रश्न दे मतलब अपना एग्ज़ाम देने पहुँचते दे सेंटर पर और एन वक्त पे वो कैंसिल हो जाता है क्यों रद्द हो जाता है ये कह के कि प्रश्न जो है बाहर आ गया है और प्रश्न पत्र बेकार हो गया है और इसके पीछे कितनी समस्या है लोग कितने दूर दूर से जाते हैं सेंटर्स में देना तो सरकारें जांच करती हैं उसके की रिपोर्टें भी आती हैं तो उसके ऊपर क्या कोई ठोस कदम उठाए जाए हाँ ज़रूर कई सारी सरकारों ने कई सारे राज्य सरकारों ने अपनी तरह से कोशिश की है लेकिन शायद इसमें अभी उस तरह से अंकुश नहीं लगा गया है जो लगना चाहिए ताकि लोगों को विश्वास हो ये जो प्रणाली है बिल्कुल सुदृढ़ है और जो ये प्रणाली पद्धति से निकलेगा वो अच्छा निकलेगा जी हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन समय ये कह रहा है कि हमारे दोनों माननीय सांसदों को आ, सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना है और के वी प्रसाद जी को सदन की कार्रवाई को कवर करने के लिए पहुंचना है आप तीनों मेहमानों ने समय निकाला बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच सीधा रुख करते हैं अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं अखिलेश आपने शून्यकाल का जिक्र किया और आपने कहा कि राज्यसभा के भीतर शून्यकाल पहले लिया जाता है और कौन से महत्व के मुद्दे आज संभावित उठाए जा सकते हैं या उठाए जाते रहे हैं उसका जिक्र तो आपने किया प्रश्नकाल की यहाँ पर चर्चा हुई है मोटे तौर तो पर लेकिन बारीकी से अगर नजर डालें तो प्रश्नकाल में और क्या कुछ रहने वाला है महत्व का प्रश्न देखिये निश्चित तौर पे एक दो तीन रोचक प्रश्न के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ एक प्रश्न तो प्रधानमंत्री के लिए ही है कि उन्होंने जो आजकल ओल्ड पेंशन स्कीम की बड़ी बातें चल रही हैं कई राज्य सरकारें कोशिश ये कर रही हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए लेकिन सेंटर में क्या प्रावधान है किस तरह से स्टेट और सेंटर इसमें कोऑर्डिनेट करेंगे यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है तो प्रधानमंत्री से आज ये अनिल देसाई ने सवाल पूछा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के मामले में सरकार क्या बात कर रही है और जैसा कि मैंने बताया था कि शून्यकाल में भी एक मामला उठाया जाना है जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा ने पूछा है कि क्या इसमें कहा है दरअसल सुझाव दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए तो कह सकते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम आज एक कह सकते हैं कि न्यूज ऑफ द डे भी हो सकता है क्योंकि ये जो बहुत ही क्लिष्ट सवाल है जिसमें कि स्टेट और सेंटर को सामने आना है एक दूसरा सवाल प्रधानमंत्री से ही पूछा गया है जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में प्रद्वीप तो जैसा कि आप जानते थे कि पहले जो है रोजगार की एजेंसियाँ इम्प्लायमेंट एक्सचेंज हुआ करते थे रोजगार समाचार अभी भी निकलता है तो लेकिन उसके ऊपर एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है तो सबकी निगाहें हैं कि ये मामला आखिर क्या है ये किस तरह की संस्था है या किन किन विभागों में ये रिक्रूटमेंट करेगी जैसे अभी तक हम जानते हैं यूपीएससी है इस्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके अलावा स्टेट से के सिलेक्शन कमीशन है लेकिन उसके बाद ये रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसका क्या तरीका होगा किस तरीके से लोगों को रिक्रूट करेगी और अभी तक किस तरीके से इसने रिक्रूट किया है एक बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण जा, जानकारी होगी क्योंकि आप जानते हैं कि पेरेंट्स हों या युवा हों सबकी निगाहें इस बात पे होती है कि पढ़ाई लिखाई खत्म करें तो वो रोज़गार उनको कैसे मिलता है या जो स्किल्ड हैं स्किल्ड को किस तरह की व्यवस्था हो सकती है तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस पर सवाल पूरक प्रश्न भी पूछे जाएंगे और इस पूरक प्रश्न पर भी सरकार जो जवाब देगी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी जी जी इसके अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक और सवाल है जो पहला ही सवाल है दरअसल आज की सूची का जो पंद्रह प्रश्न है उसमें पहला ही सवाल है एम के सर्णोगम का जिन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछा है जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोर्ट है और एग्जीक्यूटिव है कोर्ट और एग्जीक्यूटिव दोनों के अलग अलग कई बार विचार सामने आते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट कहती है कॉलेजियम सिस्टम को लागू रहना चाहिए और सरकार का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह प्रभा, प्रभावी नहीं है इसलिए उसके जगह पे एक रिक्रूटमेंट का कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए तो अल्टरनेटिव कॉलेजियम सिस्टम के बारे में सर्णमुगम ने सवाल पूछा है कि ये जो अल्टरनेटिव कॉलेजियम सिस्टम पे सरकार क्या विचार कर रही है और अगर सरकार विचार कर रही है तो वो कॉलेजियम सिस्टम क्या हो क्या हो सकता या है वर्तमान जो कॉलेजियम है उसमें सरकार अपना कोई प्रतिनिधि भेजेगी तो भी न्यूज ऑफ टूडे होगा सरकार का क्या मंतव्य आता जी, है आपने बहुत जो है बारीकी से आज राज्यसभा के भीतर क्या कुछ आ, संभावित है उसकी जानकारी उपलब्ध करवाई बहुत बहुत धन्यवाद सीधा रुख कर लेते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आ, क्या क्या प्रश्न और कौन कौन से मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाने हैं नागर विमानन आवासन और शहरी कार्य जल शक्ति सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अल्पसंख्यक कार्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विद्युत और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से महत्व के प्रश्न पूछे जाएंगे सांसद मितेश रमेश भाई पटेल जल शक्ति मंत्रालय से संदूषित जल के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे से संबंधित प्रश्न पूछेंगे सांसद डॉक्टर वेंकटेश नेता बोरला कुंत जल शक्ति मंत्रालय से मूसी नदी में प्रदूषण से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं सांसद पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी नागर विमानन मंत्रालय से आरसीएस उड़ान के अंतर्गत वित्तीय सहायता से संबंधित प्रश्न पूछेंगे सांसद संतोष कुमार नवी और ऊर्जा मंत्रालय से सौर ऊर्जा के लाभ से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद अरविंद सावंत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से समुद्री राजमार्गों का विकास से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद लॉकेट चटर्जी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे सांसद इंजीनियर कुमान सिंह दामोर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से शहरी अवसंरचना के सुधार से संबंधित प्रश्न पूछेंगे सांसद सुनील कुमार पिंटू सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सड़क अवसंरचना के रखरखाव से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे सांसद मनोज तिवारी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से ग्रामीण क्षेत्र में जैव ऊर्जा संयंत्र से संबंधित प्रश्न पूछेंगे सांसद राजेंद्र थेडिया गावित जल शक्ति मंत्रालय से वर्षा जल संचयन से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं सांसद डॉक्टर डी एन वी सेंथिल कुमार एस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से तमिलनाडु में नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी क्षमता से संबंधित सवाल पूछेंगे सांसद राहुल कासवा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से मलिन बस्तियों के विकास से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे सांसद संजय जाधव विद्युत मंत्रालय से पीएफसी तथा आरईसी में सरकार की हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे सांसद निहाल चंद चौहान विद्युत मंत्रालय से चल रही जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे सांसद सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे जल शक्ति मंत्रालय से पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं सांसद डॉक्टर कलानिधि वीरा स्वामी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पेट्रोलियम पर राज्य सहायता से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे सांसद लल्लू सिंह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से एमएसएमई में हरित प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं सांसद रघु रामकृष्ण राजू कानूमुरु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एक्सप्रेस वे का विकास से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे सांसद कुंवर दानिश अली अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से बजटीय आवंटन में कमी से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं सांसद अनुभव मोहंती सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में आज विधि और न्याय पर्यटन पृथ्वी विज्ञान प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रालय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे सांसद एम शनमुगम विधि और न्याय मंत्रालय से उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के लिए वैकल्पिक पैनल से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे सांसद डॉक्टर सी एम रमेश पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से स्वचालित मौसम स्टेश द्वारा सृजित आंकड़ों से कि आंकड़ों की सटीकता से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे सांसद वी विजय साई रेड्डी पर्यटन मंत्रालय से पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं सांसद रामनाथ ठाकुर प्रधानमंत्री कार्यालय से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थिति से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग को प्रयोग किए जाने का स्वास्थ्य पर प्रभाव से संबंधित सवाल करेंगे सांसद सुमित्रा वाल्मीकि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एशियाई शेरों का गुजरात गुजरात से के मध्य प्रदेश में स्थानांतरण से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं सांसद डॉक्टर सांतनु सेन प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द होने से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे सांसद फूलो देवी नैतम युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से निरीक्षण समिति द्वारा की गई पूछताछ के विवरण से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाली हैं सांसद वीरेंद्र प्रसाद वैश्य संस्कृति मंत्रालय से पूर्वोत्तर में सांस्कृतिक विरासत स्थल से संबंधित सवाल पूछेंगे एल विधि और न्याय मंत्रालय से पोक्सो मामले से के निमटारे में होने वाली देरी से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं सांसद तिरुचि शिवा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से भारत में समुद्र में तेल रिसाव की घटनाओं से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं सांसद अनिल देसाई प्रधानमंत्री कार्यालय से पुरानी पेंशन योजना को पुनः आरंभ करने से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे अवसंरचना और संकाय सुविधाओं के विकास से जुड़ा हुआ सवाल करने वाली हैं सांसद बी पार्थ सारथी रेड्डी पर्यटन मंत्रालय से तेलंगाना में पर्यटन से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे सांसद सांसद डॉक्टर जॉन ग्रिटास सूचना और प्रसारण मंत्रालय से हिंदुस्तान समाचार के साथ प्रसार भारती के समझौते से संबंधी एक सवाल पूछने वाले हैं फिलहाल संसद में आज में इतना ही अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं तो बने रहिए संसद टीवी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए नमस्कार